बच्चन के बहू ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा इस सुर्खियों में बनी रहती है। उन हसीनाओं में से एक है जिन्होंने न केवल अपने दम पर खुद को एक सफल और टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया है, बल्कि एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी वह साधारण जीवन जीने में यकीन करती है। यही एक वजह भी है कि भले ही पहले ही उतारा बी टाउन में एक्टिव नहीं होने के बाद भी उनका चार्म जबरदस्त है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, लाइफ को लेकर ऐश्वर्या की यही अप्रोच उनके कपड़े पहनने के तरीके भी साफ दिखा जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ढेर सारे फैशन स्टाइलिस्ट एंड ब्यूटी आर्टिस्ट से घिरे रहने के बाद भी अदाकारों को न केवल सिंपल एंड एलिगेंट दिखना पसंद है, बल्कि उनके लुक में किसी भी तरह का तड़क भड़क वाला एलिमेंट में भी नहीं होता। यही एक कारण भी है कि जब इतनी ब्यूटीफुल दिखने वाले ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स पहनकर किसी इवेंट का हिस्सा बनती है तो लोगों का उन पर से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक लुक में अदाकारा को तब देखा गया था जब वह फिल्म फेयर आयोजित इवेंट में हिस्सा बनी थी। इस दौरान न केवल उनके क्लोथ्स का सिलेक्शन काफ़ी क्लासी था, बल्कि उनकी अपीयरेंस भी बहुत आम लड़कियों की जैसी ही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इवेंट में ऐश्वर्या अपने ससुर जी के साथ पहुंची थी, जिन्होंने हर एक उस बात का ध्यान रखा था जिनकी इंडियन लड़कियों को उम्मीद होती है। बता दें कि यह सारा किस्सा साल 2009 का है, जब ऐश्वर्या राय अपने ससुर के साथ एक इवेंट में पहुंची थी। जी हाँ, उस दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाफ एंड हाफ पैंट वाली काली साड़ी पहनी थी, जो कि लाइट इजी ब्रीजी होने के साथ साथ उसमें परफेक्ट टच ऑफ क्लिंग भी देखा जा सकता था। इस साड़ी को ऐश्वर्या ने इंडियन फेमस फैशन डिजाइनर सब्यसाची के कलेक्शन से पिक किया था, जिसकी छोटी छोटी डिटेल्स उसे खूबसूरत टच दे रही थी। इस स्टार स्टैंड इवेंट के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो एलिगेंट लुकिंग वाली ब्लैक एंड गोल्डन साड़ी पहनी थी, उसे बनाने में पूरी तरह नेट सिल्क और ग्रेज वेलवेट और टिश्यू फैब्रिक का इस्तेमाल किया था, जिसके पल्लू से लेकर हेमलाइन तक को एक दूसरे से अलग रखा था। पूरी साड़ी पर न केवल कॉस्ट्रेन शेड क्रिएट किया था, बल्कि इसे पार्टी वेयर लुक देने के लिए मिक्स्ड सीक्वेंस का भी पक्का अरेंजमेंट किया था। ये सबसे पहले बात करें आउटफिट के बेस बॉर्डर की, तो उसमें ग्रेश कलर कोऑर्डिनेशन के साथ भूरी प्रिंट देखा जा सकता था, जिसे सजाने के लिए जरी जरदोजी का इस्तेमाल किया था। वहीं इसकी हेमलाइन में वेलवेट पट्टी जोड़ी थी, जो कि काफ़ी डेलिकेट लुक दे रही थी। इस बात की कोई दोराय नहीं कि ऐश्वर्या पहली नज़र में ऐश्वर्या की यह साड़ी देखने में काफ़ी बेसिक, सिंपल और प्लेन लग रही थी, मगर इस साड़ी की असली खूबसूरती इसके पल्लू में छिपी थी, जिसमें भरपूर सीक्वेंस जोड़ा गया था, जिसकी वजह से यह साड़ी बहुत ज़्यादा ब्लिंगिंग लग रही थी। वही इस 3D इफेक्ट वाली साड़ी में टीजिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐश्वर्या ने ब्लैक कलर का सीक्वेंस पहना था, जिसमें ब्रॉड स्ट्रैप के साथ लो बैक डिज़ाइन बना था। वही चोली में आगे की तरफ डीप कट नेक दी गई थी, जो कि अदाकारा के क्लब टेड अपर बॉडी पर पूरा फोकस बना रही थी। ब्राइट वाइब्राइट टच वाली साड़ी को ऐश्वर्या ने बिल्कुल भी ओवर एक्साइज नहीं किया था। उन्होंने कान में केवल डायमंड स्टेडियम इयररिंग्स पहने थे, जिसके साथ गले को एकदम खाली छोड़ा था। वही क्लियर लाइट और नेचुरल मेकअप ट्रेंड को बरकरार रखते हुए अदाकारा ने इस दौरान अपनी ल्यूमिनियस फेस के हिसाब से फ्लॉलेस बेस चुना था, जिसके साथ अपने चिक्स हाई पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट किया था। हालांकि ऐश्वर्या ने इस पूरे लुक में उनकी आंखों पर ज़्यादा फोकस किया था। अदाकारा ने अपनी आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन और फिल करने के बाद आंखों को ब्राउन शिमरी लुक दिया था, जिसके लाइनर और मस्कारा के साथ अपने लुक को उन्होंने इतना हाईलाइट और फिनिश दिया था। जी हाँ, वही